श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज क्या खास उपाय लेके आई हूँ वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वालों को किसी भी शुक्रवार के दिन क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपके घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन लक्ष्मी आती तो बहुत है लेकिन टिकती नहीं है और घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती, और या तो आवक आती है लेकिन बिल्कुल भी टिक नहीं पाता पैसा, तो फिर आप ऐसे में क्या करें? बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है लेकिन अचानक से रुकने लग गया है, या आपके किसी काम में अड़चन आने लग गई है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, और या तो कुंडली का दोष होता है या तो आपको किसी की नज़र लग गई है, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और किसी को अपनी परेशानी कह भी नहीं पा रहे कि आपके सारे काम ऐसे अचानक से क्यों रुकने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा बरकत होती है, बहुत ज़्यादा बिजनेस चलता है, तो ऐसे नज़र दोष हो जाती है अपनों की, या तो फिर पड़ोसियों की, या तो फिर अपने ही रिश्तेदारों की। तो ऐसे में आपने क्या करना है और किस तरीके से अपने बिगड़े हुए काम को बनाना है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर आपकी कुंडली में कोई भी शनि दोष चल रहा है, ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, मंगल दोष चल रहा है, राहु की महादशा चल रही है, या आपको काल सर्प दोष है, ऐसी कोई भी कुंडली में जो कि आपके मंगल दोष लग रहा है, या जैसे कि शनि परेशान कर रहा है, या आपको नारी दोष लगा है, ऐसी कोई भी समस्या है, आपका कोई भी ग्रह अच्छा नहीं चल रहा, जैसे कि बृहस्पति आपका कमज़ोर है उसके कारण, या मंगल दोष है तो उसके कारणवश आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, या आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, या आपके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या शादी का संजोग नहीं बन पा रहा। अगर ऐसी कोई समस्या चल रही है कि इंटरव्यू में आप बार बार जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और इंटरव्यू हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी आपकी नौकरी नहीं सफल हो पा रही है, और जिस भी शिखर पर आप जाना चाहते हो शिखर तक आप नहीं पहुंच पाते, और अगर ऐसी आपके साथ भी समस्या हो रही है तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। जय वृश्चिक राशि वाले हैं, कोई भी राशि वाले हो लेकिन वृश्चिक राशि के लिए मैं ये खास तौर से उपाय बता रही हूँ। उससे पहले कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे पहली बारी दोस्त आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन बटन के साथ, कि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर सके, क्योंकि आपके भी जिंदगी जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है, आप भी बहुत ज़्यादा उपाय कर करके थक चुके होते हैं और उसके बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसे में आप क्या करें और किस तरीके से करें जो कि आपके सारे कार्य सफल होने शुरू हो जाएँ। सबसे पहला आपको एक स्टोन बताने वाली हूँ मैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लेना जो भी वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर भी कर देना। तो मैं आपको बता देती हूँ वृश्चिक राशि वालों को, सबसे पहले अगर ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, या आपका शनि परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है, या आपका राहु परेशान कर रहा है, या केतु, तो ऐसे में आपने क्या करना है? ऐसे में एक उपाय करना है कि आप पूर्णमासी के दिन से गंगा स्नान करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके राहु और शनि और केतु में भी बहुत ज़्यादा आपको फर्क पड़ेगा। तो ये मैंने प्रैक्टिकल आपको उपाय बताए हैं, इससे कोई वो नुकसान होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स आपकी कुंडली में होने लगेंगे। अगर आप गंगा स्नान कर पाते हैं बाहर जाकर तो ठीक है, नहीं कर पाते तो आप घर की जो बाल्टी से नहाते हैं उस बाल्टी में भी एक ढक्कन गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। और आपको दूसरा उपाय बता देती हूँ कि ऐसे में आप क्या करें, आप बहुत ज़्यादा राहु केतु शनि से परेशान हैं, तो ऐसे में एक लाजवत्र स्टोन आता है, आप वो धारण कर सकते हैं बीच की उंगली में। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे भी आपका राहु केतु शनि की महादशा जो भी चल रही होगी उससे में भी शांति रहेगी। और तीसरा उपाय आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी दिक्कत दे रहा है, कोई भी आपको नज़र दोष दे रहा है, या आपका कुंडली में कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तब ऐसे में क्या उपाय करें? आपने किसी भी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में चले जाइए, जो कि आपके पास कोई माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, वहाँ पे आपने क्या करना हैगा कि 108 लौंग की माला तैयार कर लेनी है लाल रंग के धागे में। तैयार करने के बाद माँ लक्ष्मी को आपने जाके उनके गले में पहना देना है। ऐसा करने से भी आपके सारे संकट कटने लगेंगे और आपके घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी, व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी, और साथ ही साथ अगर आपका विवाह अगर संपन्न नहीं हो रहा, या विवाह के आपके योग नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो
तो ऐसे में आपने क्या करना है, 108 हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की 108 गांठ लेके उसकी माला तैयार करें, उसके बाद हरि विष्णु भगवान के मंदिर में जाके हरि विष्णु भगवान को समर्पण कर दें। ऐसा करने से आपके विवाह संपन्न होने लगेंगे। किसी भी तो ये उपाय जरूर से ज़रूर करें, आपका विवाह भी संपन्न होगा, साथ ही साथ आपका बृहस्पति मजबूत होने लगेगा कुंडली में ऐसा करने से। और आप केले के पेड़ में भी जल को चढ़ा सकते हैं। हल्दी एक लोटा आप जल तैयार कर लें, उसमें हल्दी एक चुटकी ज़रूर डालें और उसके बाद केले की जड़ में आपने ये एक लोटा जल सींच देना है। ऐसा करने से हर बृहस्पतिवार के दिन आपका बृहस्पति मजबूत होने के कारण आपका विवाह भी संपन्न होने लगेगा। आपके विवाह के जो योग नहीं बन रहे होंगे वो योग बनने लगेंगे और आपका व्यापार और नौकरी में भी वृद्धि होने लगेगी क्योंकि आपकी कुंडली का बृहस्पति मजबूत होने लगेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं वृश्चिक राशि वाले कर सकते हैं। और जो मैंने आपको मेन उपाय बताया है, शुक्रवार के दिन आपने माँ लक्ष्मी को 108 लौंग की माला ज़रूर अर्पण करनी है। ऐसा करने से आपके सभी संकट जो होंगे ज़िंदगी के वो कटने लगेंगे धीरे धीरे। और आप ऐसे सात मतलब शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं, सात शुक्रवार करें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सा बदलाव आएगा। आपके जितने भी कार्य होंगे वो एकदम संपन्न होने लगेंगे और आपके कार्य एकदम ही ऐसा होगा कि जैसे कि कहते ना परेशानी आई तो बहुत मतलब ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही थी, लेकिन आपकी जो ये परेशानियां होंगी अगर ये उपाय आप करेंगे तो ऐसा एकदम गायब होगा जैसे छू मंतर, बिल्कुल एकदम गायब ऐसे हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये उपाय ज़रूर करें, ऐसा करके अपने सारे जितने भी योग नहीं बन पा रहे वो योग बनाएं अपनी कुंडली के हिसाब से और अपनी ज़िंदगी में बहुत सा सुख उठाएं ये उपाय करने से। और बहुत छोटा सा उपाय बताया कि आप ये उपाय शुक्रवार के दिन लौंग वाला ज़रूर करें माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके, आपकी ज़िंदगी और जीवन में बदलाव आएगा और आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। जो भी आप तरक्की चाहते हैं वो तरक्की होने लगी कि आपकी जो भी घर में नज़र दोष होगी, जो आपके ऊपर नज़र दोष होगी, उन सब चीज़ों में भी आपको राहत होगी। तो ये उपाय कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर अच्छा लगा जय महाकाली जय माँ लक्ष्मी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको उसके बाद भी कुंडली में या हस्तरेखा में कोई दिक्कत आती है या आपको स्टोन की समझ ना आए, जो मैंने स्टोन बताया है लाजवत्र, तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए पे गुरु माँ को संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर एक जानकारी दी जाएगी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में क्या बदलाव नहीं आ रहा उस बारे में। अगर कोई भी समस्या आपके साथ भी चल रही है तो ज़रूर व्हाट्सअप करें, कॉल पे बात करें गुरु माँ से। आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए शिव शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महालक्ष्मी।